हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे जो है काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। इस बार जो मैं लेके आया हूँ, जैसे आप टाइटल जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कि स्टूडेंट जो फेसिंग कर रहे हैं इशू इन काउंसलिंग में, जितने भी स्टूडेंट जो फेस कर रहे हैं कि सर बहुत इशू आ रहा है हमें काउंसलिंग में, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है हमसे। जैसे लास्ट टाइम एफिडेविट की मैंने वीडियो बनाई थी, उस पे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करा था कि सर हमसे मिस्टेक हो गई, कि हम जो है 2021 लिख दिया हमने खाली ईयर। जैसे कि आपने वीडियो में बताया कि 2021 एंड 2021 और 2022 भी हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है जिस टाइम पे आपकी काउंसलिंग चलेगी, जब तक आपको कॉलेज मिलेगा, वो 2022 का हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं। तो इश्यूज आ रहे हैं, उसके भी सॉल्यूशन जो है मैंने कमेंट्स में भी दिए। यहाँ भी मैंने एक वीडियो सेपरेट इसलिए बनाया कि मैं सारे स्टूडेंट्स को जो है उनके कमेंट्स यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। उसका ये है कि अगर आपसे गलती हो गई है, आपने अपलोड कर दिया, तो अभी करेक्शन की विंडो खुलेगी, चांसेस हैं खुल जाए, तो आप अपना नया जो है सही बिल्कुल करेक्ट बना के रखें, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो फिर जब आप कॉलेज के टाइम पे अगर नहीं ओपन होती है करेक्शन वाला, तो आप कॉलेज के टाइम में जब जाए तो अपना करेक्ट वाला एफिडेविट लेके जाए, तो वहां आप दे सकते हैं, तो उससे इतनी कोई इशू नहीं आएगा। आदमी प्रोफार्मा के हिसाब से भी मेरे पास बहुत कुछ ना, ऐसा हमें प्रोफार्मा नहीं मिल रहा, कहाँ हम ढूंढ ले सकते हैं हम? जैसे मैंने एफिडेविट में बताया था कि प्रोफार्मा में जाना है आपको, उसके बाद प्रोफार्मा जो है आपको डीएमई की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा। जैसे आप उसमें एंटर होंगे, तो उसके अंदर लेटेस्ट अपडेट वाला होता है पोर्शन, उसमें क्लिक करेंगे तो सबसे पहले प्रोफार्मा मिलेगा। प्रोफार्मा के अंदर जो है 11th पेज पे अगर जाएंगे, तो वहाँ एफिडेविट का पूरा आपको मैटर मिल जाएगा। देन थर्ड जो इश्यू फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, जिनका बहुत कमेंट आया, मैसेजेस भी आए, इवन कॉल भी आए, जो स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासेस में से पढ़ते थे, उनके भी आए सर के इश्यू ये आ रहा है कि हमारे पास एडमिट कार्ड हम संभाल के नहीं रख पाए, पुराना वाला एफिडेविट वो एडमिट कार्ड जो है उसको कॉलेज में सबमिट कर दिया था एग्जाम के टाइम में, हमारे पास फोटोकॉपी हमने नहीं करवाई थी, हम स्कैन करा के कैसे अपलोड कर पाएंगे? तो उसका बस प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको, अगर एडमिट कार्ड नहीं है आपके पास, तो जिस टाइम पे आपने फॉर्म फिल करा था, तो रजिस्ट्रेशन जो आपके पास कुछ आईडी होती है उस टाइम पे जब पढ़ते हैं, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। या फिर अभी वेट करें, वो भी साइट खुल जाए कि आपका एडमिट कार्ड भी निकल सकता है, या नहीं हो रहा है कुछ, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन वाला आपका दे सकते हैं। एफिडेविट का मैं बता दिया, जो स्टूडेंट्स ने एफिडेविट के जो भी इश्यू आ रहा है, जिनको अभी भी कोई इश्यू है, आप एक बार फिर से रिमाइंड करके मेरी एफिडेविट वाली वीडियो देखें। अगर अभी भी कुछ आपको डाउट हो, तो उसके अंदर आप मुझे कमेंट करें, बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बनेगी। सेपरेटली मैं आपको कमेंट्स करूंगा, कमेंट का रिप्लाई करूंगा आपको, मैसेजेस वगैरह जो भी, अगर स्टूडेंट जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्ट नहीं हो पाए, जैसे नंबर चेंज हुआ मेरा व्हाट्सएप का, तो ग्रुप में जो है चेंज है, मैं ग्रुप में नहीं हो पाया व्हाट्सएप के, तो उसमें भी जो इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये कनेक्ट यहाँ से हो सकते हैं, अपने जो है यूट्यूब चैनल जो है इससे कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप इसमें भी कमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ से भी रिप्लाई करेंगे, अपना नाम मेंशन कर दें, अपने स्कोर मेंशन कर दें उसमें, तो बिल्कुल सॉल्व की जाएगी प्रॉब्लम। एंड जो भी इश्यू आ रहा है आपको काउंसलिंग के रिलेटेड, एक बार फिल करने से पहले आप एक बार कमेंट्स करके सर पूछ लीजिए, कुछ भी इश्यू आ रहा है कि सर ये हमें, जैसे अभी स्टूडेंट्स मोस्टली जो है स्टूडेंट्स का मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आते रहते हैं कि सर फीस क्या है बता दिए हमें, या एफिडेविट में हम जाने से पहले बहुत से स्टूडेंट जो है पूछने के बाद करते हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स जो है कभी मिस्टेक कर देते हैं कि पहले भर दिया उसके बाद इश्यू आ जाता है, तो वो उसमें कोई इतना इश्यू नहीं है। जैसे आप करेक्ट डॉक्यूमेंट अपने पास बनवा के रखें, जैसे एफिडेविट का बनवाया मैंने कॉलेज टाइम में, आप दे सकते हैं। वो फीस का जो है, जैसे आपको अभी स्टार्टिंग में जो है आपको जो है 1100 रुपये समथिंग, 1100 रुपीज अभी आपके काउंसलिंग के टाइम में लगेगी, या 100 रुपीज जो पोर्टल वाले चार्ज करते हैं वो है, एंड 100 रुपीज की एमपी काउंसलिंग है। तो फी का मैंने आपको क्लियर कर दिया। और कोई भी स्टूडेंट्स को अभी कोई भी डाउट आए, कुछ भी आए, तो आप कमेंट्स करें, वो कैटेगरी वाइज सारी वीडियोस बन चुकी हैं, जैसे आपने कमेंट्स करे थे एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस और जनरल की, प्राइवेट कॉलेजेस की भी बन चुकी हैं, गवर्नमेंट की बन चुकी हैं, जाके आप देखें। और लिंक अगर शेयर करें तो एक दूसरे को लिंक भी शेयर कर सकते हैं, तो हेल्प कर दें दूसरों को, तो बेनिफिट रहेगा, कोई आप जैसे आपने मिस्टेक करी तो दूसरा नहीं करे ना। थैंक यू सो मच।